हमारे साथ हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी मौजूद हैं, जो हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी उनका नामांकन करवाने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। निशंक जी, आपका न्यूज़ वन इंडिया में स्वागत है। हम क्या कहेंगे इस बार, किस तरह से बीजेपी? शुभकामना होगी। इस समय तो आप देख रहे हैं कि सारा वातावरण ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सारा वातावरण आप जिधर देख रहे हैं, बीजेपी 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 हम लोगों ने मन बना दिया। वो पूरी तरह कमर खुला। बीजेपी अपने सिटिंग में टिकट काट रही है और कांग्रेस से भी ज्यादा विश्वास कर रही है, क्या कहेंगे? हमने 60 पार को कहा है भाई, एक मिनट। यदि हमने 60 पार को कहा है तो पार्टी अपनी व्यवस्था 60 पार क्या कांग्रेसियों को लागू की जाएगी? जैसे राजपाल जी कल ही ज्वाइन कराई उनको और कल ही टिकट दे देगा, और किशोर उपाध्याय हमारा आज ही ज्वाइन हमारा नहीं। टिकट कहाँ बोला मैंने की बोल रहा है, वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन ये हमारा विषय है। हमको सरकार चाहिए। हम सारे लोग, हमारे जो विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हैं, जो आज उनको नया टिकट मिल रहा है, सब एकजुट होकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार लड़ना चाहते हैं। बाबूजी किशन जी कांग्रेस से भी ज्यादा विश्वास करती है बीजेपी। बाबूजी सुशील कांग्रेस रहे काम है। धन्यवाद।